आपने घपले घोटाले की बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी कल्पनाओं से कहीं परे होगा, लेकिन ये हमारे सिस्टम की दरअसल एक कड़वी सच्चाई है। अस्पताल का टेंडर पास हुआ, बिल्डिंग बनी और फिर अचानक ही बिल्डिंग गायब हो गई और इस जगह पर बिल्डिंग थी वहां पर मैदान बन गया। देखते ही देखते सरकारी अस्पताल गायब हो गया। देखिए इस पर रिपोर्ट। जी हाँ, यूपी गजब है, गजब है। अस्पताल की बिल्डिंग दरअसल चोरी हो गई और चौंकाने वाली यह खबर है यूपी के मुरादाबाद से। बिलारी इलाके में एक सरकारी अस्पताल है। अस्पताल कई हिस्सों में पसरा हुआ था। अस्पताल की एक नई बिल्डिंग बनी, उस बिल्डिंग में नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती थी, कई अहम काम निपटाए जाते थे, लेकिन अचानक ही वो बिल्डिंग गायब हो गई। बताया जा रहा है कि भू माफिया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जेबें भरकर बिल्डिंग को गिरा दिया। अब वहां पर सरपट जमीन बची हुई है। जब मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तो हड़कंप मचा। कार्रवाई की बात अब कही जा रही है। एक महीने में गायब हुई सरकारी इमारत, भू माफिया स्वास्थ्य विभाग में गजब का गठजोड़। कुछ ही दिनों पहले इस खाली जमीन पर सरकारी बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन अब खाली मैदान है। आपको लग रहा होगा कि ये सरकारी योजना का हिस्सा है, लेकिन हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। बेखौफ भूमाफियाओं ने यहाँ मौजूद सरकारी इमारत को ध्वस्त कर दिया, उस सरकारी इमारत को जो अस्पताल का हिस्सा थी, जहाँ नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ से इस महिला अस्पताल के कई काम होते थे। ये सब कुछ एक महीने के अंदर हुआ। बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर महिला अस्पताल की सरकारी इमारत को गायब कर दिया। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मुरादाबाद के बिलारी स्थित इस मैदान में आलीशान बिल्डिंग थी। पहले भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया, उसके बाद लोकल अधिकारियों के साथ मिलकर इमारत गिरा दी। अब इस जमीन की बाकायदा प्लॉटिंग की गई है। मामला स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों तक पहुंचा तो अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कुछ दिन पहले अभी हम लोगों के संज्ञान में आया कि जो पुराना महिला अस्पताल रन कर रहा था, उसके पीछे एक एक्सटेंशन एरिया था जिसमें एक पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें उसके साथ में एक क्वार्टर भी बना हुआ था। उस बिल्डिंग में ANM ट्रेनिंग सेंटर संचालित किया जा रहा था। उस लैंड पर जो स्ट्रक्चर खड़ा था, ओल्ड स्ट्रक्चर, वो ध्वस्त करके वहाँ प्लॉटिंग की, लेकिन वो जो एक अष्टम वित्त आयोग के अंतर्गत क्वार्टर बना था वो तो अभी है। सहसपुर पुलिस चौकी बिलारी थाने को और संबंधित उप जिलाधिकारी और बाकी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित की है और उसमें इसी तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी अनुरोध किया है। भले ही अब कार्रवाई की बात की जा रही हो, लेकिन सवाल है कि सरकारी बिल्डिंग कैसे गायब हो गई? बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के इमारत को कैसे गिरा दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के वो कौन से अधिकारी हैं जिनकी मिलीभगत से पूरे खेल को अंजाम दिया गया? मुरादाबाद से दीपचंद्र जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।